हे गाइस, तो आज ऐसा पहली बार हुआ है कि विशु ने और मैंने दोनों ने साथ में फास्ट रखे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। आइडिया क्यों ना आज यमी टेस्टी से आलू के पराठे बनाऊँ, रात को 12 बजे के बाद फास्ट खोलने के बाद हम खाएंगे इनको। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइस, आज दिन के टाइम पर मैंने देखी थी ये वाली आलू की रेसिपी और ये देखने में इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी, तो मैंने और विशु ने डिसाइड किया कि आज यही वाली हम बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अब जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट उन्होंने बनाया हुआ था ना, वो पहले से बनाकर रखा हुआ था, लेकिन हम इसी तरीके से सिलबट्टे पर पीसते हैं, तो मैं आज ऐसे ही पीसूंगी क्योंकि इससे मुझे लगता है कि फ्लेवर्स और ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं। वो जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में पीसते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है लहसुन और हरी मिर्च का टेस्ट उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे उनकी एक स्पेशल टिप कि हमें आलू मैश करने, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करने, तो जो बीच में छोटे छोटे चंक्स आते हैं ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इन्हें हम मैश तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे अपना हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। यम यम, मेरे तो अभी से मुँह में पानी आना शुरू हो गया था क्योंकि इसकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी ना, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च इन सभी चीज़ों की। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अपना चॉप किया हुआ प्याज और हरा धनिया, जो भी स्पाइसेस उन्होंने बताए हुए थे। तो उन्होंने बताया था हमें डालना है हरा धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे कि आलू हमारे मैश हो जाए, थोड़े से हम उन्हें खड़े ही रखेंगे। अब फटाफट से लगा लेते हैं एग्जैक्टली आटा जैसे उन्होंने हमें बताया था। आटे के अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन ताकि गैस ना बने, और उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालेंगे अच्छे से क्रश करके, तो मैंने पहले पैकेट में क्रश करके रखी हुई थी, अगर आपके पास क्रश ना हो तो आप हथेली पर डालकर थोड़ा सा क्रश कर लेना इसे। अब फटाफट से गूंद के रेडी कर लेते हैं अपना आटा क्योंकि मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। और सबसे पहले बनाएंगे हम एक लोई, और आटे को हमें थोड़ा सा ऐसा रखना है कि वो थोड़ा सा पतला रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंदना। और उस रेसिपी के अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट टिप थी वो ये थी कि आपको आलू जो लेना है ना, आटे से उसकी हल्की सी ज़्यादा क्वांटिटी हो ताकि आलू अच्छे से भरकर हो पराठे के अंदर। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि आलू का पराठा तो बना रहे लेकिन उसके अंदर आलू तो कहीं नज़र आता ही नहीं, तो हमें वैसा कुछ नहीं करना। उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा और फिर अच्छे से घुमाते फिराते हुए अपने आलू के पराठे का गोल गोल बेल लेंगे। चारों तरफ बराबर होना चाहिए ताकि चारों तरफ अच्छे से आलू स्प्रेड हो जाए। उसके बाद इस पे डालेंगे अच्छे से देसी घी, और ये वाला जो पार्ट है ना, वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, पराठे पे घी लगाकर सेकना। फाइनली गाइस, 12 भी बज चुके हैं, तो अब बारी आई है इसे टेस्ट करने की, और ये दिखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, और अभी इसे करते हैं टेस्ट। तो भाई, वायरल रेसिपी निकली हमारी, फुल प्रूफ, बहुत अच्छी। ओके टाटा बाय।